सो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करना ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे को अपने चैनल पे अपलोड करना है और मैं आपको टाइम दिखाऊँ आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, 11:15 हो गए हैं और मुझे अभी थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर बाद 3 बजे मुझे उठना है। 3 बजे क्यों उठना है? क्योंकि मुझे जाना है आज अपने मायके, मतलब 3 बजे अपने मायके जाना है सुबह के 3 बजे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा काम चल रहा है सड़क में, चार धाम यात्रा का आपको पता ही होगा काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि सुबह अगर हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं हरिद्वार से, ताकि हमें जो मतलब ट्रैफिक का सिस्टम है वो हमें वो ना करना पड़े, फेस ना करना पड़े। तो इस वजह से हम कल सुबह मॉर्निंग में 3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और हम 10 11 बजे तक मैं अपने मायके पहुंच जाऊंगी। सो अभी मुझे अपनी वीडियो का एडिटिंग करना था, तो मैं अभी तक उठी हूँ, 11:30 होने को आ गई है और मुझे 3 बजे उठना है। और बस मेरे पास 3 घंटे हैं सोने के लिए और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती, मतलब नींद तो किसको नहीं आती यार, 3 घंटे तो कोई पूरी होती नहीं, बट फिर भी नहीं। मेरे को सब बोलते सो जा सो जा, बट मैं कहा नहीं पाया, मेरे को अपनी वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने के बाद मैं सोऊंगी, फिर देखते हैं। बाकी 3 बजे उठ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटा भी बहुत होता है। सो मुझे लगा ये थोड़ा सा सूट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल मैं ब्लॉग बनाऊंगी, इस ब्लॉग में ऐसे जरूर ऐड करूंगी। तो चलो अभी मैं सोती हूँ थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं आपको कल। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो मैं निकल गई हूँ हरिद्वार से अपने घर के लिए और अभी सुबह के 4 बज रही हैं। यहाँ पे देखो बस स्टैंड के पास में हूँ मैं, और भैया के घर से निकलते ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, बस स्टैंड तक आते ही 10 किलोमीटर भैया के घर से यहाँ पे बस स्टैंड है, तो यहाँ पे आते ही मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। एकदम से मुझे इतनी वॉमिटिंग हो गई है, मैं तो यही सोच कर डर रही हूँ कि अब अगर मैं अभी गांव जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी। चलो देखते हैं, अभी निकलते हैं हम थोड़ी देर में, 5 बजे के आसपास निकल जाएंगे, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, फिर चलते हैं हम लोग। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की पहाड़ वादियाँ। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं 3 धारा उत्तराखंड में, और आप मुझे देख के लगा सकते हैं मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। कंटिन्यू हरिद्वार से 3 धारा आने तक मुझे वॉमिटिंग होती जा रही है, मतलब कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, और ऐसे में मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है गाइज। अभी मैं बिल्कुल भी मतलब ब्लॉग नहीं बना पा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ भी ब्लॉग, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। सो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी गाड़ी रोकी है, नाश्ता वगैरह करेंगे। शायद से मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बट फिर भी अभी थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर देखती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही थी। अभी देखती हूँ अगर नाश्ता करने के बाद हेल्थ सही रहती है तो देखते हैं। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं।
गाइस मैं पहुंच चुकी हूं कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग मतलब हमारा जो मेन मार्केट है वहां पहुंच चुकी हूं। मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, बुरी हालत हो रही है मेरी, पूरी धूल मिट्टी पूरी कंडीशन है। अभी हम यहां पर रुके हैं अपने भैया के लिए, मेरे भैया आ रहे हैं हमें लेने के लिए, मेरे मतलब जो मेरा कजन ब्रदर है वो हमें लेने के लिए आ रहा है गाड़ी लेके। तो अभी थोड़ी देर में आएंगे वो, आधा घंटा लगेगा उनको, तब तक हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। और पापा गए हैं फल फ्रूट लेने, मैं आपको दिखाती हूँ। पापा आगे से फल फ्रूट ले रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सामने से पापा फल फ्रूट ले रहे हैं। तो ये है हमारा गोली। हाय करो गोली, हाय हाय करो बाबू, प्रणाम करो सबको। ये है हमारी माता जी, हेलो करो, हेलो हेलो कर बोलो, हेलो कर, हेलो हेलो। तो हम पहुंच गए हैं घर, सो वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय। बस हो गया, तुम करो हेलो, नमस्ते करो, नमस्ते, प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम।